हेलो फ्रेंड्स, स्वागत करता हूँ मैं आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल सॉफ्टेक में। आज मैं इस वीडियो में बताऊंगा कि LM386 को कैसे चेक करते हैं। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो यहाँ मैंने दो आईसी लिया है, ये वाली आईसी ख़राब है और ये वाली जो आईसी है ये ठीक आईसी है। तो चलिए सबसे पहले जो हमारे पास ठीक आईसी है उसे चेक करते हैं। तो हमें आईसी को चेक करने के लिए हम थोड़ा सा इसके पिन को थोड़ा नीचे से हम फैला लेते हैं। तो आप देख सकते हैं मैंने यहाँ फैला लिया। अब इसे चेक करने के में थोड़ा इजी होगा। तो इसे चेक करने के लिए हमें मल्टीमीटर को बजर रेंज पर रखना है। यहाँ मैंने बजर रेंज पर सेलेक्ट कर लिया इसे। अब मल्टीमीटर के रेड वायर को हमें आईसी के ग्राउंड पेयर पर रखना है और ब्लैक वायर से हम आईसी को चेक करेंगे। तो यहाँ देख सकते हैं आईसी के 5 पिन पर कितने वैल्यू शो कर रही है। अब 5 पिन से डायरेक्ट हम यहाँ आईसी के 3 और 2 पिन और 1 पिन को चेक करेंगे। तो यहाँ आप रेंज देख सकते हैं इसमें कितना कितना रेंज आ रहा है जो हमारे पास ठीक आईसी है। तो हमने जो मेरे पास जो ठीक आईसी थी उसे चेक कर लिया। अब चलिए जो हमारे पास ख़राब आईसी है उसे चेक करते हैं। तो जब हम उसे चेक करेंगे तो उसमें देखेंगे कि पहली वाली आईसी से थोड़ा डिफरेंस आएगा इसमें। तो इससे हम ये पता लगा सकते हैं कि हमारी जो आईसी है ये ख़राब है। तो फ्रेंड्स, आप देख सकते हैं कि हमारी दूसरी वाली जो आईसी है वो सच में ख़राब है। तो फ्रेंड्स, अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो उसे लाइक कर देना, शेयर कर देना, और अगर आप मेरे चैनल पर नए आए हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ज़रूर प्रेस करना, क्योंकि मैं फ्यूचर में ऐसी वीडियो लाने वाला हूँ।